नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कपिल चंदेला की न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सियाज अल्फा, जो कि हमारा टॉप वेरिएंट है। तो इसका ऑनरशिप रिव्यू, तो दोस्तों ये अभी मैंने फरवरी में अभी तीन चार महीने पहले मैंने गाड़ी दी है। तो दोस्तों, मेरे दोस्त हैं नरेंद्र नागर जी, जो कि इसके मालिक हैं, और इनसे जानते हैं कि इस गाड़ी का क्या रिव्यू है, क्या मेंटेनेंस है, क्या एवरेज आई है इसकी, कितने खुश है ये और कितनी रनिंग होती है इनकी। दोस्तों, तो गाड़ी आप देख सकते हो, ये सियाज का टॉप वेरिएंट है जो कि आपके सामने ही खड़ी है। तो एक बार चलते हैं दोस्तों नरेंद्र नागर जी से, हम क्या क्या पूछते हैं और क्या क्या उनका जवाब आता है, और जो कि हमारे लिए बेनिफिट है या फिर क्या चीज़ है। तो सबसे पहले, जो भी मेरे इस चैनल पर नया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का आपको पता लग सके। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको ले चलता हूँ, पहले तो इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। तो दोस्त, आप भैया, आपने गाड़ी को कितने महीने पहले परचेज किया था? ये मैंने 2021 23 फरवरी को, मतलब 3 महीने हो गए आपको। तीन चार महीने हो गए इसको, हो गए 10वां महीना चल रहा है ना, तो प्रॉपर 7 महीने हो गए, 8वें चल रहा है प्रॉपर। अच्छा, 7 महीने। तो मैंने अभी शायद 3-4 महीने पहले बताया था, हो सकता है प्रॉपर आगे 7-8 महीने हो गए इसको। तो एक बार अंदर जाके बात करते हैं, तो क्योंकि इसमें थोड़ी सी आवाज़ आ नहीं रही, कि शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, तो प्लीज़ एक बार। तो नरेंद्र जी, आपने जो गाड़ी अभी नेक्सा से ली है, ये शोरूम कहाँ से ली है आपने गाड़ी? ये नेक्सा से, जो अपना मेवला महाराजपुर के पास में। अच्छा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मतलब गाड़ी को लेके कितने खुश हो आप, और क्या आपकी मतलब ड्रीम कार थी, क्या थी, आप जो जैसे बता रहे थे आप आए थे गाड़ी खरीदने के लिए? नहीं, मेरी चॉइस थी सियाज, आज से 2011 में हमने अपनी सिस्टर की शादी में दी थी, तो एक बार मैंने वो चलाई थी, तो उस दिन से एक जुनून था अंदर लेने का अपना, कि भाई कभी लेनी है कार तो यही लेनी है। अच्छा, तो फिर ये न्यू मॉडल में आई। अच्छा, टॉप मॉडल और अच्छी, उसमें कई चेंजिंग आई, ठीक है, तो फिर मैंने यही लेना अच्छा समझा और ठीक भी है। मतलब ऐसा क्या देखा तुमने सियाज में? अगर मैंने तो आपको वैसे डेल्टा भी ऑफर की थी, सिग्मा भी ऑफर की थी, अल्फा लेने का क्या रीजन था आपका? अल्फा लेने का ये रीजन था कि मुझे चाहिए थी टॉप मॉडल में, ठीक है, मतलब मन में रहता है कि मैं कि टॉप लिए लेने के लिए, तो वो भी ले सकते थे, बाहर से कुछ सामान लगवाना लगवा सकता कोई भी भाई, लेकिन इसमें क्या है कि कंप्लीट कंपनी करके दे रही है, प्लस पॉइंट इसकी एवरेज, जो सबसे मेन चीज है इसकी एवरेज, और इसकी जो सेडान में जो चलती है अपने बाय रोड जो चलती है उसकी अलग ही बात है, एक एक अलग फील है चलाने में भी, भागने में भी अच्छी है, और भागने में कोई समझदारी नहीं है, कोई भाई ना चलाए ना भगाए तो अच्छा है, अपना 80-100 की स्पीड पे बहुत अच्छी एवरेज देती है। तो आपने वैसे लगभग कितने तक आपने ये स्पीड आपने भगा रखी गाड़ी? एक बार ऑन रोड जयपुर हाईवे पे भगाई थी लास्ट 160 मैंने। 160 ना कोई बबलिंग थी और ना कोई ऐसी थी, बस मत एक साथ भाई बैठा हुआ था तो देख रहे थे वरना के साथ ऐसी करके, ठीक है, तो मस्ती में भगाई थी तो बहुत अच्छी भागी थी, वरना बहुत पीछे थी, ठीक है, पिकअप बहुत अच्छा। तो भैया, मैंने आपको कल फोन किया था, मेरे पास कस्टमर बैठे थे तो वो भी सियाज लेने के लिए आए थे, तो एक बार आपने रिव्यू बताया था कि इतनी एवरेज दे रही है, और मैंने इतने का तेल डलवाया था, इतने किलोमीटर इतनी जगह होके आए थे, तो एक बार आप मुझे बता दो कि क्या था। मैं हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले आया हूँ यूपी से, आपको स्टेट के नाम भी बता देता हूँ, यहाँ से गया था मैं अपने मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर से सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर से यमुनानगर, ठीक है, यमुनानगर से वापस बरेली, मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद से बरेली, ठीक है, बरेली से पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत से खटीमा, ठीक है, ये उत्तराखंड में आ गया, ठीक है, खटीमा, खटीमा से सितारगंज, सितारगंज से हल्द्वानी नैनीताल रोड, हल्द्वानी से वापस बैकअप किया रुद्रपुर, रुद्रपुर के बिल्कुल सामने फेस सामने है किच्चा, फिर वहां से सीधा अपने यहाँ आया। तो मेरा मात्र जो पेट्रोल लगा था, फुल टंकी कराई थी मैंने, तकरीबन ऐसी हुई थी 4900 कुछ रुपए में हुई थी, ठीक है, और उसी में मैं वापस आ गया, एवरेज निकाली थी इसने 27.78 कुछ ऐसी निकाली थी, लेकिन 26.1 का मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, तो आप एक बार दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों,
बिल्कुल, मैं एविडेंस के साथ ही मैं एक बार एवरेज भी आपको दिखा रहा हूँ। और तो आप बता रहे थे लोकल में कितने देते हैं, अगर लोकल में आपकी लोकल में अभी मैं जैसे अभी स्टार्ट करके यहाँ तक आया हूँ तो 18.6 पे अभी भी है। 18.6 एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो 18.6 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज अभी आ रही है फिलहाल, और मैं अभी चला के आया था तो 20.4 समथिंग थी। तो जितनी चलेगी उतनी अच्छी एवरेज आएगी। तो दोस्तों मैं एक बार एविडेंस और दिखा देता हूँ आपको कि रियल में कितनी एवरेज दी थी, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी स्मार्ट हाइब्रिड है और ऑटोमेटिक भी है। ये 26.1 का मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये कोई एडिटिंग नहीं है, ये एक्चुअली है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है गाड़ी का ही, ठीक है। और इसमें आप देखते हो 70 पे क्रूज भी एक्टिवेट है, क्योंकि 26.1 किलोमीटर की जो प्रति लीटर की जो एवरेज आ रही है आप देख सकते हैं। कोई ऐसे नहीं है कि अलग से, तो फोन में ही स्क्रीनशॉट लिया गया है इसमें। तो आप बता रहे थे कितने का तेल डलवाया था और कितने में आप कितना बचा हुआ पड़ा था आपका? तकरीबन इसमें बचा हुआ तो नहीं बता सकता कितने रुपए का बचा था, लेकिन पॉइंट बता सकता हूँ आपको। अच्छा, पॉइंट जैसे फुल जैसे 4-5 पॉइंट है इसमें। तो जो फर्स्ट है उसके 3 पॉइंट ऊपर थी, यानी कि जो सेकंड पॉइंट है आपका ये बड़ा वाला पॉइंट है, ये आपको दिख रहा होगा ये बड़ा वाला पॉइंट है, इसके एक पॉइंट नीचे थी, इतना तेल वापस आया था मेरे बच के। तो इसका मतलब कि एवरेज भी बहुत अच्छी दे रही है। बहुत अच्छी, मैं कह रहा हूँ मुझे 28 की एवरेज मिली थी। और जो रनवे पे जो चलती है, जो इसकी चाल है, ना कोई बबलिंग है, ना कोई एसी में भाई कूलिंग नहीं कर रही है, या फिर पिकअप में कोई प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ कोई भी भाई अगर गाड़ी ले तो एक बार लेने से पहले अपना चला के देख ले, रिट्राई ले ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि मेरे पास जो भी कस्टमर आते रहते हैं, तो मैं सबसे बड़ा ही एग्जांपल नरेंद्र नागर जी का देता हूँ, क्योंकि उनके ही, हालांकि मेरे कल जो मैंने एग्जांपल दिया तो मैंने स्पीकर ऑन कर रखा था जो आपको फोन किया था एवरेज कार अच्छी, तो मेरी वो बुकिंग लगी भी है। दोस्तों मैं, मेरा नाम खुद कपिल चंदेला है, तो मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, मैं खुद भी नेक्सा में ही जॉब करता हूँ। ऐसा नहीं कि ये ऑनरशिप रिव्यू इसलिए है क्योंकि लोगों को पता लग सके कि मारुति की क्या वैल्यू है, मार्केट में क्या वैल्यू है इसकी। क्योंकि मारुति कार खरीदने का रीज़न ये नहीं होता कि मतलब एक तरह से हम देख, अब हम सोच सकते हैं, देखो इसके अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में कम से कम 6 सर्विस सेंटर है इसके, आप नज़दीकी आप कहीं भी जा सकते हैं। अदर की बात करें तो 1 या 2 उसमें भीड़ लगी रहती है, और मेंटेनेंस कम है, ठीक है। हर घर में लगभग मतलब हर जगह इसका मिस्त्री बैठा हुआ है, पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल है, बाहर भी मार्केट में भी प्राइस मिल जाते हैं, और आप सर्विस सेंटर में जाओगे तो वहाँ तो इजीली अवेलेबल होते ही हैं। और मतलब ये कि हर तरीके से बेनिफिट है, रीसेल भी अच्छी है इसकी, बहुत ज़्यादा रीसेल है, मार्केट वैल्यू है। और मारुति का आपको पता है 50 से 52% शेयर है मार्केट का, आप देख सकते हो, और 50 में लगभग सारी कंपनी आती है। तो दोस्तों मेरा जो सियाज का ऑनरशिप रिव्यू का मतलब यही था कि मैं दोस्तों को, मेरे पास जो कमेंट आ रहे थे कि सियाज का आप ऑनरशिप रिव्यू बनाओ, तो मैंने इसलिए बनाई है वीडियो। और सबसे बड़ा एग्जांपल नरेंद्र नागर जी जो खुद चला रहे हैं, और जो 15 दिन फरीदाबाद रहते हैं और 15 दिन ही आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, क्योंकि काम ही इनका रबड़ का है, तो रबड़ के लिए, क्योंकि मार्केटिंग के लिए जाना पड़ता है, मार्केटिंग के लिए जाना पड़ता है। और इनके जो डीलर हैं, जितने भी खरीदने वाले हैं, वो लगभग बाहर ही हैं, बाहर ही एक्सपोर्ट करते हैं, लोकल में तो कम ही जाता है इनका माल, तो बाहर ही ज़्यादा जाता है। तो आपकी कंपनी किस नाम से है? कृष्णा रबड़ इंडस्ट्रीज़ के नाम से ही है। अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट करना हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, तो उसे क्योंकि प्रमोट भी होगा हर चीज़ इनका भी। और सियाज इन्होंने इसी वजह से ली थी क्योंकि आगे से सेफ है, पीछे सेफ है, क्योंकि जो सेडान गाड़ी लेते हैं सब ये समझते हैं कि सेफ दोनों जगह से है, तो लॉन्ग रूट पर चलना होता है, हर चीज़ डिस्टेंस भी काफ़ी करना होता है। और नीचे से इसका जो बेस है, हाइट है, वो भी जो पहली सियाज थी उससे मैक्सिमम कम से कम 4 इंच ऊपर है, कम से कम। हाँ, मतलब वही एमएम में स्पेस भी अच्छा है। हाँ, जो भी एमएम है, जो भी बहुत है, पहली वाली थोड़ी 4 mm के ऊपर। लेकिन ये कि आप हाईवे पे कहीं जा रहे हो 200-300 किलोमीटर, पहले शायद कम था, लेकिन मतलब गाड़ी ए बना। तो दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक बेल आइकन को, बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं आने वाली वीडियो को आपको पता लग सके। और ऐसे ही आगे आगे वीडियो बनाता रहूँगा और आपका ही सहारा मिलता रहेगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू नरेंद्र नागर जी, थैंक यू भाई, आपका बहुत बहुत सपोर्ट है सर, हमारी बुकिंग लगाने में भी और कस्टमर बनाने में भी, भाई के फुल साथ है। थैंक यू सो मच।